आपकी लाइफ में आने वाली कई प्रॉब्लम्स की वजह शनि का कोप होती है। आपको मैं लगातार शनि के कोप से बचने वाले उपाय बताती रहती हूँ। आज कुछ और प्रॉब्लम्स और उसके उपाय भी मैं आपके पास लेकर आई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों को ये जो आंसर बैक करने की आदत है, जो उल्टा बोलने की आदत है, इसको रोकने की बात। तो आज बुराई से बचने वाली एक इन्फॉर्मेशन, क्या करें जब बच्चा आपको उल्टा जवाब देने लगे। सबसे पहले बच्चों की बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण होती है। आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आजाद रहना चाहता है। बच्चे की बढ़ती उम्र भी एक कारण हो सकता है। अगर आपका बच्चा ग्रो कर रहा है तो अपनी आजादी दिखाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए बच्चा उल्टा जवाब देने लगता है। उन्हें माँ बाप की इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती। बच्चा हर काम अपने तरीके से करने की कोशिश करता है और टोकने पर उल्टा जवाब देने लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बच्चे को समझा देने पड़ेगी कि घर में बड़ों का फैसला ही माना जाएगा और बच्चों को उन्हें निभाना ही होगा। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का जो लेसन है वो बचपन से ही बच्चों को सिखाना होगा। ज्यादा लाड़ दुलार भी सही नहीं है। बच्चों को प्यार करना जरूरी है पर हर चीज की अति बुरी होती है। ज्यादा लाड़ में, ज्यादा प्यार में बच्चों को उल्टा जवाब देने की आदत हो जाती है। इसको आप नजरअंदाज नहीं करें, पहली दूसरी बारी में ही अपने स्ट्रिक्ट रूल्स डाल दीजिए। नहीं तो ये समय दूर नहीं जब बच्चा आपको ओपनली और लोगों के आगे बेइज्जती करने लगेगा, उल्टा जवाब देने लगेगा। कई बार उल्टा जवाब देने की आदत से सिर्फ घर पर ही नहीं, बच्चों को स्कूल में या खेलते वक्त इस तरह से भी परेशानी आ सकती है। आपको बच्चों को टोकना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि बड़ों को उल्टा जवाब देना और उनसे बहस करना ठीक नहीं। अगर माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर बच्चा खरा ना उतरे तो कई बार बच्चे बहुत कुछ और चाहते हैं। आपकी आशाएं अनजाने में आप थोपने लग जाते हैं। इससे बच्चा परेशान होकर उल्टा जवाब देने लगता है और आपसे डिसीजन लेने की क्षमता छीनने लगता है। तो इसलिए बच्चों के साथ बैठकर समझिए कि वो चाहते क्या हैं। आगे हम बात करेंगे राशियों की, लेकिन उससे पहले तिल और उसके गुड़ इसकी बात करते हैं। जितनी आपकी उम्र है उतने तिल और गुड़ के लड्डू लें। इसे अपने सिर से पैर तक 21 बार मूव करें यानी कि घुमाएं। अब ये लड्डू लाल या काली गाय को खिला दीजिए। तिल जो है, आपको पता है कि तिल में हाई क्वांटिटी में कॉपर होता है और मैग्नीज होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी रिच सोर्स होता है। बॉडी की फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और फाइबर की कमी को भी दूर करता है। तिल में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन B1 होता है, ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। तिल के और क्या क्या फायदे हैं ये देखिए। जो तिल में कॉपर होता है ना, वो पेन और स्वेलिंग को कम करता है। ये आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जो इसमें मैग्नीशियम होता है वो अस्थमा के दौरों को रोकता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। इसमें हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। माइग्रेन अटैक में भी बेनिफिशियल है। यही नहीं, इसमें मेनोपॉज में जो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है यानी कि मेनोपॉज के समय जो नींद नहीं आती है, उस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तिल में कैल्शियम होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो कैल्शियम जो है वो कोलोन सेल्स को कैंसर लड़ने वाले केमिकल से बचाता है। इसमें अर्थराइटिस की वजह से जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है उसको रोकने के लिए जो बोन्स में ताकत होती है वो आती है। माइग्रेन में होने वाले सिरदर्द को कम करता है।